हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरोही और आपका मोस्ट वेलकम है आरोही के एडवाइस में। दोस्तों, आपको पता है डी नेम वाले काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के होते हैं और इसमें कुछ खूबियाँ और खामियाँ भी होती हैं। हमेशा से लोग कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम ये है जो जिसमें सब कुछ रखा है। यानी आपकी क्वालिटीज़ जानना या फिर आपकी खामियाँ जानना, सारे कुछ नाम से ही होता है। तो चलिए, इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो आप अपने पार्टनर के बारे में या फिर कोई भी लोग जो डी नेम वालों से हैं उनसे आप बहुत कुछ जान सकते हैं, और उनसे दोस्ती करने के लिए या फिर उनको समझने के लिए ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा और काफ़ी आपको हेल्प भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, डी नेम वालों के बारे में सब कुछ जानते हैं। डी नेम वाले काफ़ी डेयरिंग होते हैं, यानी इन्हें पंगा लेना ना काफ़ी पसंद होता है, पंगा हर एक चीज़ से। ये ना सिचुएशन चाहे इनकी कैसे भी हो जाए, ये कभी पीछे नहीं हटते। ये इनके पास ऐसी एक क्वालिटी होती है कि कभी किसी को जो है अपने मदद के लिए जल्दी नहीं कहते, क्योंकि इन्हें मदद लेना जल्दी पसंद नहीं होता। ये काफ़ी डेयरिंग होते हैं, सच बोलना इन्हें पसंद है और बिंदास नेचर के ये मालिक होते हैं। यानी जो भी करेंगे खुलेआम करेंगे और बिंदास से करेंगे। अपने सीक्रेट का सक्सेस ये सबसे शेयर नहीं करते और जल्दी मदद के लिए हाथ भी नहीं फैलाते। ये वीक नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मेंटली फिजिकली ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। मेहनत करना इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है और जब ये सक्सेस पा जाते हैं तो क्रेडिट भी किसी को देना नहीं चाहते, क्योंकि ये सेल्फ मेड होते हैं। यानी इन्होंने अपनी करियर खुद से बनाई होती है, इसलिए ये कभी भी अपना श्रेय किसी और को नहीं देते। बात करें इनकी लव लाइफ के बारे में, तो लव और रिलेशनशिप को ये काफ़ी अहमियत देते हैं। ये हमेशा उन्हें इम्पोर्टेंस देते हैं और इसी वजह से ये कभी लव के मामले में अनलकी नहीं होते, क्योंकि ये अपने पार्टनर का साथ हमेशा निभाते हैं और इसी के साथ जो ये वादा करते हैं उसे फुलफिल भी करना ये जानते हैं। दोस्तों, डी नेम वालों के साथ अगर आपकी पार्टनरशिप है, आप चाहते हो कि वो आपके लव लाइफ में, तो उनकी एक बात हमेशा समझ ले कि वो काफ़ी सिंसियर होते हैं। यानी लव को लेकर वो कभी भी धोखा या फिर सीरियसनेस के अलावा, यानी वो लव में हमेशा सीरियस ही होते हैं। वो ऐसा नहीं कि किसी से प्यार किया और निभाया नहीं, छोड़ के चले गए। वो निभाना भी चाहते हैं और प्यार करना भी चाहते हैं, और रिश्तों के मामले में वो प्रोफेशन और रिलेशनशिप को हमेशा अलग रखते हैं। वो कभी भी इसको तोलते मोल भाव नहीं करते हैं रिश्तों का, वो हमेशा अहमियत देते हैं। इनका नेचर थोड़ा सा सीरियस होता है, और लेकिन इन पे जो गॉड की कृपा कहा जाती है कि इन पे ब्लेसिंग्स काफ़ी होती है, क्योंकि ये काफ़ी नॉलेजफुल माइंड के होते हैं। इन्हें सरस्वती और लक्ष्मी का वास होता है, यानी ये रिच भी होते हैं और इनमें टैलेंट भी काफ़ी होता है। ये टैलेंटेड पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। अट्रैक्टिव इनकी बातें सबसे ज़्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि इनके पास नॉलेज काफ़ी होता है और ये स्मार्टली कोई भी बात को करना जानते हैं, इसीलिए लोग इनसे काफ़ी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन्हें सॉरी एक्सेप्ट करना आता है, यानी इनसे अगर गलती हो गई तो ये गलती को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और सॉरी भी कहते हैं। अपने पार्टनर को कभी भी ज़्यादा गुस्सा करने नहीं देते, मनाने में एक्सपर्ट होते हैं। और इसी के साथ मैंने आपको बताया, लेकिन इनमें एक खामी होती है कि ये जो गुस्सा हो जाते हैं तो मानते फिर जल्दी नहीं है। ये इनकी थोड़ी सी खामियां हो जाती है। अदरवाइज ये इंसान बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपके पार्टनर भी डी नेम से है ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उनके बारे में और बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। और क्या आपके पार्टनर डी नेम से हैं या फिर आप खुद, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा अपनी राय। अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। इसी के साथ इस पूरी वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।